गाइज आप में से बहुत सारे लोग ने विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड कर चुके होंगे और ऐसे में अगर आप विंडोज 11 को यूज कर रहे हो तो विंडोज 11 में बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विंडोज 11 का पूरा यूआई चेंज हो चुका है एंड्रॉयड जैसा। तो मैं आपको जितने सारे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ वो लगभग एंड्रॉयड से मैच ही करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज चलिए बात करते हैं सबसे पहले फीचर से जिसका नाम है मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन। और ये फीचर्स मुझे काफी ज्यादा पसंद हैं क्योंकि एक समय में अगर आप अलग अलग डेस्कटॉप पर अलग अलग काम करना चाहते हो तो ऐसे में आपको ये फीचर्स जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि विंडोज 10 में ये फीचर नहीं है लेकिन विंडोज 11 में ये फीचर है जहां पर अब आप एक समय में मल्टीपल डेस्कटॉप पर अलग अलग काम कर सकते हो। इस फीचर को यूज करने के लिए आपको सर्च के आइकन के बगल में आपको एक आइकन दिखेगा, वहां पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने प्लस आइकन आ जाएंगे। जैसे जैसे आप प्लस पे क्लिक करते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ डेस्कटॉप बढ़ते चले जाएंगे और हर डेस्कटॉप का आप रिनेम कर सकते हो, साथ ही में आप अलग अलग बैकग्राउंड को भी चूज कर सकते हो। तो अगर आप एक समय में बहुत सारे अलग अलग काम करना चाहते हो अलग अलग डेस्कटॉप पे तो आप ये वाले फीचर्स को जरूर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है स्निपिंग टूल, और ये फीचर्स विंडोज 10 में भी था लेकिन विंडोज 11 में काफी ज्यादा इसे इंप्रूव किया गया है। विंडोज 10 में आपको दो ही ऑप्शन मिलते थे, रेक्टेंगल मोड का और सर्कल मोड का, लेकिन यहाँ पे विंडोज 11 में आपको चार मोड दिए गए हैं, रेक्टेंगल मोड का, विंडोज मोड का, फुल स्क्रीन मोड और फ्री फॉर्म मोड। लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर से तीन के बारे में तो जरूर पता होगा लेकिन आपको फ्री फॉर्म मोड के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि ये चीज ना विंडोज 11 में ही दिया गया है। अगर आप कस्टम तरीके से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, मतलब कि अगर आप कुछ भी ड्रॉ करोगे और उसे आप कैप्चर करना चाहते हो तो ऐसे में आप यूज कर सकते हो फ्री फॉर्म मोड का। तो यहाँ पे जैसे आप फ्री फॉर्म मोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ करते हो तो डायरेक्ट वो कैप्चर हो जाएगा, मतलब कि आप कस्टम तरीके से एक स्क्रीनशॉट बना सकते हो। तो ये फीचर्स काफी ज्यादा अच्छा है विंडोज 11 में, तो आप इस फीचर्स को जरूर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड का फीचर विंडोज 10 में भी था लेकिन विंडोज 11 में इसे काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है, कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं। जब आप विंडोज 10 में क्लिपबोर्ड को यूज करते थे तो जब आप लास्ट टाइम में कॉपी करोगे वही डेटा सेव होता था, बाकी के डेटा डिलीट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे विंडोज 11 में ऐसा नहीं है। अगर आप प्रीवियस में भी या फिर उससे पहले भी जितने सारे आपने टेक्स्ट को कॉपी करे होंगे वो सब टेक्स्ट आपको क्लिपबोर्ड के अंदर मिल जाएंगे। तो इसे यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको विंडोज प्लस भी प्रेस करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे में आपको टर्न ऑन का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं क्लिपबोर्ड ऑन हो जाएगा, उसके बाद जो भी आप कॉपी करते हो लास्ट टाइम या फिर उससे पहले भी आपने जो भी टेक्स्ट को कॉपी किया है वो सब आपको लिस्ट बाय लिस्ट मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट आप उसे पेस्ट कर सकते हो, आपका मर्जी, जो भी आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हो डायरेक्ट आप क्लिपबोर्ड के जरिए आप वहां पर पेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया है विंडोज 11 में। तो ये फीचर्स आपको कैसा लगा विंडोज 11 में नीचे कॉमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट फीचर है स्पीच डिक्टेशन, और ये एक यूनिक फीचर है विंडोज 11 में गूगल असिस्टेंट जैसा। गूगल असिस्टेंट में क्या होता है कि आप कुछ भी चीज वॉइस की मदद से बोलते जाते हो और डायरेक्ट वो टाइप होना शुरू हो जाता है, तो इसी तरीके का विंडोज 11 में भी फीचर है स्पीच डिक्टेशन करके, और विंडोज 10 में भी ये फीचर है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करके जो कि आपको कंट्रोल पैनल के अंदर मिलता है। लेकिन विंडोज 10 के अलावा विंडोज 11 में काफी ज्यादा इसे इंप्रूव किया गया है, मतलब एक एडवांस लेवल का स्पीच डिक्टेशन है। इसे यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको विंडोज प्लस एच की प्रेस करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने स्पीच डिक्टेशन ओपन हो जाएगा, आपको माइक्रोफोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको बोलते चले जाना है, जो भी चीज आप बोलोगे डायरेक्ट वो टाइप हो जाएगा। लेकिन आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, यहां तक कि अगर आपको ग्रामर में ठीक से बोल नहीं पाते हो या फिर आपका ग्रामर थोड़ा मिस्टेक है तो ऐसे में आप सेटिंग पर जाकर के पंक्चुएशन पर ऑन कर सकते हो, तो जो भी आपका ग्रामर मिस्टेक होगा डायरेक्ट वो करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कि आपको अलग अलग लैंग्वेज भी दिए गए हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो टाइप करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप उस लैंग्वेज को चूज कीजिए और आप जो भी चीज बोलोगे वो डायरेक्ट टाइप हो जाएगा। तो ये एक यूनिक फीचर है विंडोज 11 में स्पीच डिक्टेशन का एंड पंक्चुएशन का, तो जरूर आप इस फीचर को यूज कीजिएगा। टाइप मत कीजिए क्योंकि आज के टाइम पर टाइप का जमाना गया, डायरेक्ट आप बोलते जाइए ऑटोमेटिक वहां पर टाइप होते जाएगा। नेक्स्ट फीचर है पर्सनलाइजेशन फोल्डर का, और ये एक सीक्रेट फीचर है विंडोज 11 में जिसकी मदद से आप अपने समय को काफी ज्यादा बचत कर सकते हो। अगर आपको किसी फोल्डर को एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपको दिस पीसी के अंदर जाना पड़ता है, फिर आपको ड्राइव पार्टीशन पे क्लिक करना पड़ता है,
तब जाकर के आपको फोल्डर मिलता है, तब एक्सेस कर पाते हो। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस हो गया। अगर आपको शॉर्ट टाइम में किसी भी फोल्डर को एक्सेस करना है तो ऐसे में आप पर्सनलाइजेशन फोल्डर का यूज कर सकते हो। इसे यूज करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना है, उसके बाद आपको पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का, आपको उस पर क्लिक करना है। तो नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फोल्डर का, आपको फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर पर क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे लिस्ट ओपन हो जाएंगे, जैसे कि डाउनलोड का, म्यूजिक का, वीडियोस का, डॉक्यूमेंट का, पर्सनल फोल्डर का। तो आप जिस भी चीज को शॉर्ट टाइम में एक्सेस करना चाहते हो उसे आप टर्न ऑन कीजिए। जैसे ही आप टर्न ऑन करोगे उसके बाद वापस आओगे, तो जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो बगल के साइड में आप देखोगे तो वहां पर आपको आइकन मिल जाएगा। तो उसी आइकन की मदद से डायरेक्ट आप उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक शॉर्ट टाइम में आप किसी भी फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप शॉर्ट टाइम में किसी फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हो तो इस फीचर्स को जरूर आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट फीचर है मल्टीटास्किंग का, मतलब कि एक समय में अगर आप बहुत सारे ऐप्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो मल्टीटास्किंग का। अब इसे यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी ऐप को ओपन करना है, उसके बाद कर्सर को ले जाना है मैक्सिमाइज वाले बटन पे। जैसे आप थोड़ा देर के लिए होल्ड करोगे तो वहां पे आपको चार तरीके के लेआउट मिलेंगे कि आप किस लेआउट में मल्टीटास्किंग करना चाहते हो। तो डायरेक्ट आप उस लेआउट पे क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट वो विंडोज मूव हो जाएगा जिस भी डायरेक्शन के अंदर आप क्लिक करते हो वहां पे। अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्म जानना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको विंडोज प्लस एरो की आपको प्रेस करना है। जिस भी डायरेक्शन का अगर आप एरो की प्रेस करते हो उसी तरफ वो मूव हो जाएगा, यहां तक कि आप एक समय में चार स्क्रीन बना सकते हो और आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है मल्टीटास्किंग का, और ये चीज विंडोज 10 में भी होता है। तो अगर आप विंडोज 10 यूज करते हो तो आप इस फीचर को ट्राई कर सकते हो। तो यही थे मैंने आपको 6 ऐसे एडवांस फीचर्स बता दिए विंडोज 11 के, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई सा भी फीचर्स पसंद आया नीचे कमेंट में बता सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, वंदे मातरम।